sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوری طاقت کے ساتھ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اللہ تعالیٰ نے جو آیت شریفہ میں نے پڑھی اس میں مسلمانوں سے خاص تاکید کے طور پر فرمایا کہ مسلمانوں کوئی گھڑی تمہاری توبہ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے رات دن انسان سے گناہ ہو جاتا ہے بستر پر جاؤ تو بھی توبہ کر کے سو اٹھو تو بھی توبہ کر کے سو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا إلى الله توبة نصوحا اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لو
आगे तोबा का फायदा बतला रहा है। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरानकुम सैयातिकुम, करीब है तुम्हारा परवरदिगार तोबा की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। मालूम हुआ, जोर से बेशक बोलो, तोबा से अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। बेशक असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरानकुम सैयातिकुम, तोबा से जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो आदमी पाक साफ हो जाएगा, अब जन्नत में जाने का मुस्तहिक हो जाएगा। फरमाया वयुदखिलकुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी है। बाग ऊपर होंगे जन्नत के और नहरें नीचे होंगे। दुनिया में ऊपर है, नहरें भी ऊपर, बाग भी ऊपर। नहर के पास जाओ, गलती हो गई तो सीधा आदमी नहर में बह जाता है, मर जाता है। जन्नत में मौत भी नहीं हो, वो नहरें भी मजे करने के लिए होगी। जन्नत में जंजबील की नहर, सलसबील की नहर, दूध की नहर, पानी की नहर, शहद की नहर, नहरें ही नहरें। और वो नहरें नहीं कि जिसके पानी और शराब पीने के बाद आपको पेशाब या इस्तिंजा हो। अल्लाह फरमा रहे वहां पेशाब और टॉयलेट और बदबूदार चीजें नहीं होगी, गंदा पसीना भी नहीं होगा। ये दुनिया है मुसलमानों, हम और आप जिसमें आबाद हैं, जोर से बोलो बेशक वो क्या है, दुनिया है। जोर से बोलो ने क्या है, दुनिया। जोर से बोलो जन्नत नहीं। बड़ा खुशकिस्मत ऐसा इंसान होगा जिसको जन्नत में अल्लाह दाखला दे दे। फरमाया फमन ज़ुहज़िहानिन्नार, जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, वउदखिलल जन्नत फकद फाज, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब होगा, वही कामयाब। और उसका फैसला मुझे और आपको मौत के वक्त सुना दिया जाएगा। आदमी कब्र में उतारने के बाद फौरन पता चल जाएगा कि मैं जन्नत में हूं कि जहन्नम में। अल्लाह जहन्नम की आग से, धुएं से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अर्ज करने का मंशा यह है, मैंने आपको पिछली सभा में भी, पिछली मजलिस में भी कहा था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर जो पक्का यकीन होना चाहिए वो कच्चा है। अगर ये यकीन मजबूत हो जाए कि जब कुछ नहीं थे, देखो कॉमन सेंस का मामला है, सीधी और सिंपल अकल का मामला है, जब हमारा नामो निशान नहीं था, बदन नहीं थी, रूह नहीं थी, अल्लाह ने जो रब्बुल आलमीन है अपनी ताकत से हमको पहला जन्म दे दिया और मां के पेट में हमको पैदा कर दिया, जरा जोर से बेशक बोलो, वही अगर दोबारा जिंदा कर दे, एक बार वो काम कर चुका है, जोर से बेशक बोलो, दोबारा वो काम उसके लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकता। बेशक ये हमारा ईमान। मुश्किल होता कुरान में, मुश्किल होता तो पहली बार होता, जब पहली बार मुश्किल नहीं हुआ तो दोबारा कैसे होगा। अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, दोबारा पैदा होने पर यकीन पक्का करो पहले, फिर आप जो है ना दुनिया में देखते हुए इस पर इतना यकीन नहीं करोगे, हालांकि दुनिया नजर आ रही है तो भी उस पर इतना यकीन नहीं करोगे जितना आपको जन्नत पर यकीन, क्योंकि वो वादा अल्लाह का है, रब्बुल आलमीन का है, सादिकुल वाद है, सादिकुल कौल है, वो जुबान में बिल्कुल सच्चे हैं, उनके नबी जुबान में सच्चे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, मजाक में भी नहीं बोले। तो जिनके बंदे और रसूल थे वो, नबी थे वो अल्लाह कैसे झूठ बोल सकते। जन्नत पर यकीन करने के लिए आदमी सिंपल अकल इस्तेमाल करे तो आसमान और जमीन को देखे, ये सैंपल दिया है, सैंपल। जब से आसमान बनाया, जब से जमीन बनाई, जरा जोर से बेशक बोलो, धीमे से नहीं, आज तक नया है और कयामत तक नया रहे, कभी पुराना नहीं हुआ आसमान। ये सैंपल दिया है कि जो आपको सैंपल बनाकर दिया है,
आप खुश इससे अंदाजा लगाओ कि आज तक पुराना नहीं हुआ है, बरस सदियां नहीं, हजार हा हजार साल गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम के जमाने, आज तक पुराना नहीं हुआ, तो बेशक बोलो जरा जोर से, इससे बेहतर जन्नत भी दे सकता है। बेशक वादा बिल्कुल पक्का होना चाहिए, वादा पक्का, मगर यकीन जो है हमारा वो कच्चा है, उसको पक्का, वो जब पक्का हो जाएगा तो जन्नत को समझना और वहां के लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। एक दलील तो मैंने आपको पिछली मजलिस में बताई थी, आज दूसरी दो दलील बतलाऊं कि अल्लाह ताला के लिए दोबारा पैदा करना, सारे इंसानों को पैदा करना जरूरी है। कुरान में है अल्लाह ताला ने दुनिया के बादशाहों को पूछा, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह बादशाहों का भी मालिक और हाकिम नहीं, सवाल किया, जवाब दिया जी हां बेशक और बेशक अल्लाह बादशाहों का भी मालिक है। आप लोग मेरी तरफ ध्यान, दुनिया में एक मिसाल दो, मैं आप कयामत के दिन उनके लिए दोबारा जिंदा करना जरूरी है, उसकी मिसाल दो मैं आपको कुरान में, क्या आपस में कभी ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो इंसान सीधे सामने वाले को मारना शुरू कर देता है, कभी कभी ऐसी गलती कर बैठता है एक के बजाय दस दस पचास पचास सौ सौ आदमी को कत्ल करता है, किसी कहां बॉम्ब रख दिया ऐसे उड़ा, कुएं में जहर डाल दिया उस कुएं में से लोगों ने पानी पिया कई लोग मर गए। मिसाल मैं दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, अल्लाह ताला फरमा रहे मारने वाला एक और मरने वाले दस पचास सौ, दुनिया के बादशाहों को अल्लाह ने सवाल किया है, जरा जोर से बोलो वो बादशाहों का मालिक है कि नहीं। वो पूछ रहे हैं दुनिया के बादशाहों को कि तुम हुकूमत लेकर बैठे हो, एक आदमी मारने वाला, मरने वाले दस हैं पचास हैं सौ हैं, अगर उसको हुकूमत ने पकड़ भी ले लिया, फांसी का फंडा तैयार हो गया उसके लिए और फांसी पर चढ़ा भी दिया, तो अल्लाह ताला कुरान में पूछ रहे हैं दुनिया के बादशाह हो, जिसको तुमने फांसी पर लटकाया उसने मेरे दस बंदे को मारा था, मारने वाला एक ही था और तुमने उसकी सजा दी तो उसको मौत के घाट तो उतार दिया, मगर उसने मेरे दूसरे नौ बंदों को मारा है, उसकी सजा कौन देगा? भाई जोर से जवाब दो, दूसरे नौ बंदों की सजा बाकी है कि नहीं? जरा जोर से बोलो बाकी है। अब आपको जवाब देना है ताकि मैं ये समझूं आप मेरी बात को, जो कुरान समझा रहा हूं आप समझ रहे, पूरा मजमा जवाब दो, क्या दुनिया का कोई भी बादशाह इस दुनिया में पूरी पूरी सजाएं कायम कर सकता है? जोर से जवाब, तो अब जरा जोर से बोलो कौन सी का, कौन पूरी पूरी सजा देने की ताकत रखता है? सिर्फ अल्लाह। अब जोर से बोलो वो शख्स, इसीलिए उन्होंने कयामत का दिन रखा है जहां खुद बादशाहों से भी हिसाब। दूसरी दलील अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कहो तो जितने मुर्दे हैं आज ही उनको जिंदा कर दो जुमे की नमाज के बाद। इंसान को शैतान बहकाता है, आजकल मार्केट में लोगों को बहुत बहकाया जा रहा है कि मरने के बाद जिंदा होने पर कैसे यकीन करें, अल्लाह ताला फरमा रहे तो जिसने पहली बार किया है वही दोबारा करेगा। सीधा जवाब दिया सूरह यासीन शरीफ में, तो मुश्किल होता तो पहली बार होता। उसकी दलील अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है कि चलो तुम कह रहे हो कि आज तक कब्रिस्तान से कोई आया नहीं है, बात सही है नहीं आया, तो दलील कर रहे हैं कि हम कैसे माने कि कयामत के दिन जिंदा होगा, वो कह रहे हैं कि आज तक कोई आया कि नहीं। अरे भाई आज तक नहीं आया, मगर जब टाइम होगा रब्बुल आलमीन का उसी टाइम पर दोबारा जिंदा करेगा, जैसे दुनिया के बादशाहों के हर चीज का टाइम होता है। जोर से बोलो बेशक, दोबारा जिंदा करने का टाइम भी अल्लाह के यहां मुकर्रर है। अब वो दलील से समझा रहे अल्लाह ताला
कि चलो तुम कहे तो ये जितने मुर्दे हैं अभी आए नहीं हैं, आप कहो तो अभी जुमा के बाद सारे मुर्दों को जिंदा कर दो, सबको जिंदा कर। कुरान में सवाल किया, ये समझो यहां हम लोग माल खाते हैं और शैतान ये दलीलें दूसरों को बतलाओ, गैर मुस्लिमों को भी बतलाओ, जितना हो सके अपने मरने से पहले लोगों को जन्नत में ले जाओ। अल्लाह का दीन बहुत आसान है और बहुत प्यारा है, गैर मुस्लिम सुनेंगे, ईमान कबूल कर लेंगे और जहन्नम की आग से बच जाए। लोग आपको सवाल करेंगे कि हम कैसे कयामत के दिन को माने, आज तक कोई आया तो है नहीं। आप उसको जवाब देंगे, अल्लाह ताला तो आज भी आप कहो तो जुमा के दिन नमाज के बाद 2:15 बजे एक सेकंड में आप मुसलमान हो, जवाब दो सब मिलकर। जिंदा करने की ताकत है कि नहीं उनके पास? वो कह रहे मैं रोज बच्चों को बंदों को पैदा करता हूँ, दुनिया हर चीज पैदा कर रहा हूँ, तो इनको पैदा करना क्या मुश्किल काम है? माँ के पेट में जान मैं ही डालता हूँ, 4 महीने तक कुरान पाक में है, 4 महीने तक बदन में कोई जान नहीं होती। बुखारी शरीफ की हदीस में पहली बार 5वें महीने में हम ही जान डाल, उस वक्त भी तो इंसान मरा हुआ था। भाई जोर से जवाब दो, कोई जान थी अंदर? पहली बार भी हमने ही जान डाली और दुनिया में आपको पैदा किया है, तो दोबारा क्यों मुश्किल मान रहे? मुश्किल होता तो पहली बार होता। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं दुनिया के इंसानों से, चलो मैं तो अब भी जिंदा कर दूं, मगर जिंदा करके क्या करूं आज? आज जिंदा करके क्या करूं? ध्यान से सुनो जरा, मिसाल हम दे रहे हैं आपको, अल्लाह ताला उस चीज को समझा रहे हैं, वो मिसालें डालने वाला भी उलमा के दिमाग में अल्लाह ही। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं इनमें वो मुर्दे हैं मुसलमान जो कब्रों में सोए हों, मस्जिदें बना कर गए, या आपकी वटवा की सिद्दीकी मस्जिद में अगर मर्दों ने पैसा दिया है तो बोलो बेशक औरतों का भी हिस्सा है। मदरसे बना कर गए उनमें मर्द औरतें सबका हिस्सा, स्कूल बना कर गए, कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी बना कर गए, कोई पानी की टंकी बनवा कर गए, और खुदा जाने उनकी नमाज रोजे ज़कात सदका खैरात हज कुर्बानी तिलावत ज़िक्रुल्लाह दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार नवाफिल तहज्जुद और दूसरी दुनिया भर की नेकियां, बेवा यतीमों को पालना, किसी के स्कूल मदरसे की फीस देना, उसकी दुनिया दीन की तालीम में आगे बढ़ाना, बेशुमार नेकियां है दुनिया, जानवरों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, सब नेकियां करके गया। अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में पूछा है आज जिंदा करके क्या करूं? उनको अधूरा सवाब दो, अधूरा इनाम दो। मेरा काम कोई हिकमत से खाली नहीं, मेरे हर काम 100% सही होगा, मैं रब्बुल आलमीन हूं, तुम्हारी तरह कोई इंसान नहीं जो बीमार हो जाए, जिसका दिमाग मखलूत हो जाए, जिसको लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो जाए, जुबान बंद हो जाए, उसका दिमाग फेल हो जाए तो किसी काम का न रहे। मैं तो हमेशा से हूं, हमेशा बाकी रहूंगा, मेरे कोई काम हिकमत से खाली नहीं। और अल्लाह पूछ रहे हैं कुरान में आ तुम कहो तो आज जिंदा करो मुर्दों को, मगर क्या करूं जिंदा करके? उनको अधूरा सवाब दूं? वो जो मस्जिद बना कर गए, मदरसे बना कर गए, स्कूल बना कर गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बना कर गए, दवाखाना खोल कर गए, बेवा यतीमों की तंजीमें खोल कर गए, बेशुमार नेकियां करके गए, आज भी उनकी नेकियां चालू है उन मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, कॉलेज में, आज भी उन मस्जिदों में नमाजें हो रही, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, खानकाहों का निज़ाम हो रहा है, सर मस्जिद में एहतिकाम हो रहा है, शबे कदर की तलाश हो रही है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं आज भी उनकी नेकियां चालू है, इसलिए कि इसके बनाने में उनका पैसा लगा है। तो अल्लाह फरमा रहे आज भी उनकी नेकियां चालू है, और जरा जोर से बोलो बेशक पीछे तक कयामत तक चालू रहेगी। लिहाजा आज जिंदा करके क्या फायदा है? अधूरा सवाब दो इनको, अभी तो इनकी नेकियां चालू है और कयामत तक चालू रहेगी। फिर कोई भी मुसलमान कयामत तक चालू रहेगी, जब नेकियां पूरी होंगी तो इंसाफ का दिन कायम करेंगे सबके लिए, और बोलो बेशक तभी जाकर पूरा पूरा सवाब दे देंगे। तो अकल के भी खिलाफ है आज पैदा करना, जोर से बोलो भाई जवाब दो जल्दी से, अकल के भी खिलाफ है कि नहीं? आज पैदा करके कोई फायदा नहीं। इसी तरह गुनहगार लोग,
लोगों को नाहक कत्ल करने वाले, जीना करने वाले, शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, नमाजें छोड़ने वाले, रोज़ अल्लाह फरमा रहे बेशुमार सिनेमा थिएटर खोलने वाले, जो गुनाहों की बुनियाद डाल कर गए वो भी कब्रों में है, मरकर दुनिया चले गए दुनिया से। अल्लाह फरमा रहे कुरान में पूछा कि आज पैदा करके क्या करूं, उनको अधूरी सजा दो, अभी तो उनके गुनाह चालू है। वो जो बुनियाद डाल कर गए सिनेमा थिएटर की, शराब की, जुए के अड्डों की वगैरह वगैरह, आज भी वो गुनाह चालू हैं और बोलो बेशक कयामत तक चालू रहे, उनके बुनियाद उन्होंने डाली। लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। जरा पूरा मजमा जोर से बोलो, कब पड़ेगी कयामत? तो अल्लाह फरमा रहे कयामत को तो आ जाए। ये यकीन मजबूत करना है, हमारा यकीन है हम मुसलमान हैं, मगर जरा यकीन कच्चा है। जरा जोर से बोलो ने भाई कैसा है? कच्चा। जरा मजबूत करो, मजबूत इसका नाम है। कैसे मानो? आंखें बंद करके सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। ये पक्का ईमान इसका नाम। और ये दुनिया फानी है, वो हमेशा की दुनिया, जा रहना है मुसलमान का असल ठिकाना। और उसके लिए आदमी तैयारी करता है, मौत और कयामत उसके ध्यान में रहती है। तो अल्लाह ताला ने समझाया, कुरान में दलीलें देखे, ऐसे ही अल्लाह ताला ने और जगह पर इरशाद फरमाया कि तुमने वो दिन देखा नहीं कयामत का, मगर तुम इनकार नहीं कर सकते कि लाने वाला वही है जिसने इस दुनिया को सजाया और मखलूकात को सजाया। ऐसा समझो एक आदमी जंगल में, जैसे अंडमान निकोबार में जंगल है, वहां इंसान रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ दरख्त और झाड़ के पत्तों से बदन छुपाते, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब खाते, इंसान ही चाइना में खाते हैं, इंसान दीन नहीं तो हर किस्म की चीज खाते हैं। जरा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ईमान देकर इन हराम चीजों से हमको बचाया। मैं अर्जी कर रहा था आप हजरात के सामने, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि चलो मान लो एक आदमी जंगल में रहता है, आप उसके पास गए अहमदाबाद से और उसको जाकर कहा कि देखो मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ और आप लोगों को देखने आया कि आप जंगल में ऐसे आदमी भी रहते हैं, हमारे अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, बड़ा बस अड्डा है और वहाँ ऐसी ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे बाजार है, ऐसी ऐसी मशीनरियाँ, आपने अहमदाबाद की तारीफ की सब सुना है उसको। अगर वो जंगल का आदमी जिसने कभी शहर को नहीं देखा, अहमदाबाद को नहीं देखा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुरान समझा रहा हूँ। आज हमारा मसला यही है, ईमान की कमजोरी और यकीन की कमजोरी का। कुरान ईमान को मजबूत करा, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वालों के पास बैठो, तुम भी बेशक बोलो जोर से अल्लाह वाले बन जाओ। अगर वो जंगल में बैठे बैठे इनकार कर दे हमारे सामने कि नहीं एयरपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं, रेलवे स्टेशन भी नहीं, शहर भी नहीं, ऐसी सड़कें भी नहीं, ऐसी बिल्डिंगें भी नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी भी नहीं, पूरा मजमा जोर से और जल्दी से बोलो, सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? अरे भाई तू वहां जंगल में बैठे बैठे अहमदाबाद शहर का इनकार नहीं कर सकता, तुझे यकीन करना है तो जंगल छोड़ना पड़ेगा, पूरा शहर वाले जोर से जवाब दो, और अहमदाबाद शहर में आना पड़ेगा, बोलो जरा जोर से, बेशक तू आंखों से देखेगा तो यकीन कर लेगा कि हाँ ये चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ताला यही फरमा रहे, ओ जाहिल इंसान तू अपनी जहालत का मैदान छोड़, तेरी साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान छोड़ और तू अल्लाह की किताब कुरान मजीद के मैदान में आ, और उस जहालत के मैदान को छोड़कर किताबे हिदायत की मैदान में आ और उसको पढ़ना शुरू कर, और उसमें जो दलीलें लिखी है दोबारा जिंदा करने की, तू उन दलीलों को समझेगा जो तेरे मालिक ने कुरान में बयान की है, तो तू जंगल में बैठे बैठे इनकार नहीं कर सकता, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बैठकर इनकार नहीं कर सकता, तुझे वो मैदान छोड़कर किताब हिदायत कुरान मजीद के मैदान में आना पड़ेगा और तू पढ़कर उसको समझेगा,
जोर से बोलो बेशक। जैसे जंगल का आदमी जंगल छोड़कर अहमदाबाद आया तो उसको यकीन आ गया, तू भी अल्लाह की किताब के मैदान में आएगा, जोर से बोलो बेशक, तो तुझे भी यकीन आ जाएगा कि हाँ वो दोबारा पैदा करने की जोरदार ताकत रखता है। यह है, ये कुरान है। अब अपनी असल बात पर आ, अब जरा जोर से एक बार, पीछे वाले भी जरा जोर से जवाब दें, अंदर वाले भी इंशाअल्लाह कहो कि ये जो कुरान की दलीलें मैंने बताई आप दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। बीसियों दलीलें हैं मगर टाइम नहीं, मैंने आपको तीन दलील अभी समझा दी। अल्लाह ताला फरमा रहे ऐ मुसलमानों तौबा कर लो, ये तौबा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम जन्नत में जाने के लायक बन जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मरने के बाद चाहे तीन चार दिन रोते रहेंगे मगर तुम मजे करते होंगे, इसलिए कि तुमने अल्लाह को राजी कर लिया और ऐसी जन्नत में दाखिला देगा जिसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ का सामना नहीं। ऐसी जन्नत में अल्लाह तुम्हें दाखिल करे। तौबा, मुसलमानों तौबा कहते हैं पीछे वापस आना। आप गुनाह की तरफ गए थे, अब मालिक को राजी करने के लिए वापस पीछा लौट जाओ, उस मालिक के रास्ते की तरफ, उस मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगो। उलमा फरमाते हैं एक आंसू अल्लाह के डर के मारे, सिर्फ एक आंसू। क्या लिखा है उलमा ने, इंसान अगर तू जवान और बालिग है और तेरे बदन से नापाक मनी का एक कतरा निकला, सिर्फ एक कतरा, तो तेरे अपने बदन को पाक करने के लिए बाल्टी दो बाल्टी पानी चाहिएगी। एक कतरा नहीं, एक नापाक मनी के कतरा अगर तेरे बदन से खारिज हुआ तो तुझे अपने बदन को पाक करने के लिए बाल्टियों की बाल्टियां चाहिए, हजारों लाखों कतरा जमा होंगे तब जाकर तू पाक होगा। अल्लाह फरमा रहे मुझे इतने कतरों की जरूरत नहीं, मेरे डर के मारे एक आंसू बहा दे, एक आंसू में जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दूंगा। मगर है कोई माफी मांगने वाला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। कुरान पाक में तीन सहाबे किराम का एक वाकया है, अल्लाह फरमा रहे वअलस्सलासतिल्लज़ीन खुल्फू, वो तीन सहाबे किराम जो उस ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए, हजरत काब इब्न मालिक, हज़रत हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रबिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वों के सफरों में आखिरी सफर था, अल्लाह की राह में निकलने का आखिरी सफर था, और ये तीन हजरात हर मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, काब इब्न मालिक, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रबिया हमेशा गए। मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ निकल गए तो दिल में ये ख्याल आया कि लोग सुबह निकले हम शाम को जाएंगे, फिर सुबह हुई शाम हुई तो कहा सुबह जाएंगे, फिर सुबह हुई तो ख्याल आया कि चलो कल आज शाम निकल जाएंगे। होते 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 दिन निकल गए और ये तीन पहुंच नहीं पाए, हर मैदान में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उनका किस्सा अल्लाह ने सुनाकर उम्मत को तौबा की तलकीन की है कुरान। ये हजरात गज़वे तबूक में तीन नहीं पहुंच पाए अल्लाह ताला ने, और वो तीन ये समझते रहे कि हजारों का मजमा गया है, हम तीनों का क्या पता चलेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजारों का मजमा पहुंचा। मगर अल्लाह ताला जो आलिमुल गैब है उसने वही नाजिल फरमाई तबूक के मैदान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर खड़े होकर ऐलान करो ऐन काब इब्न मालिक, ऐन हिलाल इब्न उमैया, ऐन मुरार इब्न रबिया, काब इब्न मालिक कहाँ है, हिलाल इब्न उमैया कहाँ है, मुरार इब्न रबिया कहाँ है, भाई पूरा मजमा अपने मालिक का नाम बोलो। किसने बता दिया कि तीन नहीं, ऐलान हो मदीने थोड़ी देर में धीमे धीमे खबर पहुंच गई, तबूक पास ही था। वो ये समझ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलेगा हजारों के मजमे में, अब इनको खबर पहुंच गई कि अल्लाह ने आसमानों से वही नाजिल, तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया कि तुम इस अल्लाह के राह में नहीं निकले। अब इन लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल था जब भी सफर से आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर दो रकात शुक्राने की नमाज पढ़ते थे। हजरत काब इब्न मालिक नौजवान थे और वो दोनों बूढ़े थे मगर फिट थे, फिट तंदुरुस्त थे।
हज़रत काब इब्न मालिक आगे बढ़े, आप सासम को मालूम हुआ कि आप सासम मदीने में दाखिल हो रहे, सलाम किया, आप सासम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने मना किया। दूसरी वही आई थी, उनमें बताया गया था कि तीनों हजरत कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी अल्लाह की राह में नहीं निकले, इन तीनों से बायकॉट करो, मामला बंद, बातचीत बंद, और सलाम करे तो सलाम का जवाब नहीं, और कोई उनसे सलाम भी ना करे, अल्लाह का हुक्म है। आज लोग हम लोग इस्लामी बायकॉट ही भूल गए, दुनियावी मामलात में घर के बच्चे गलत करेंगे तो बायकॉट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मिरास का मामला हो, पैसों का मामला, वारसे का, जबकि हमारा जनाजा ने तो हाथ नहीं लगा रहे, देखा मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, क्यों, पैसों का मामला है, कोई नमाज छोड़ता है, रोजे छोड़ता है, ज़कात छोड़ता है, हज नहीं करता, हज फर्ज हो गया है, हुकूक पायमाल कर रहा है, किसी का पैसा दबा रहा है, कोई किसी को नसीहत नहीं कर, वहाँ बायकॉट नहीं करते, बायकॉट करते दुनियावी मामलात में, बायकॉट करते हुक्म यह है दीनी मामलात में बाई करो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने एक मामले में अपने सगे भाई से एक साल तक बातचीत नहीं की, उसने माफी मांगी तब जाकर उन्होंने बातचीत शुरू की, दीन का मामला था, एक साल तक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अपने सगे भाई से बातचीत नहीं, यह आपको बतला रहा हूं, अल्लाह ने बायकॉट का हुक्म दिया ये तीनों सहाबा से। अब सासम ने हजरत काब को सलाम का जवाब नहीं दिया, आप मस्जिद में दाखिल हो, नमाज पढ़ ली अपने शुक्राने की, अस्सलाम वालेकुम, हजरत काब बाई साइड बैठे हुए, वापस सलाम किया, आप सासम ने सलाम का जवाब और इशारे से फरमाया बातचीत नहीं, यहां से निकलो, यहां से, अल्लाह ने बात करने से मना फरमाया, हुक्म अल्लाह का है, हुक्म बहुत बड़ी चीज है मुसलमान, आज जिंदगी में यही मसला है हमारा कि अल्लाह के हुक्मों को जो इज्जत होनी चाहिए वो चीज नहीं है हमारी, आज हमारे अंदर एक ही बात है कि जवानी में ऐश कर, ने फिर फैशन बना दी है कि बुढ़ापे में अल्लाह को याद करेंगे, आपके पास है पर आपके पास गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचोगे, कितने नौजवान एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फास्ट गाड़ियां चला रहे, देख लो हाई प्रेशर में, लो प्रेशर, किडनियां फेल हो रही, शुगर में, प्रेशर में, बुखारी शरीफ की हदीस में कयामत की निशानियों में नौजवानों की मौत बढ़ जाए तो समझ जाना कयामत करीब है, ये फैशन बनी हुई, हालांकि जवानी के जमाना ऐश करने का नहीं, पूरे मजमे में से आवाज आनी चाहिए, देखो मैं इतने दूर से आप लोगों के लिए यहाँ तक आया हूँ, डॉक्टर काजी साहब ने और आपके इमाम साहब ने मुझे 2 महीने पहले दावत दी, अल्लाह इन हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए, पूरा मजमा जवाब तो याद करने का जमाना बुढ़ापा है कि जवानी अल्लाह को याद करने, हाँ, और उस जमाने में हम गुनाह करते हैं, अय्याशियां करते हैं, घरों में भी फैशन है, कोई जवान बहू आई नमाज पढ़ती है तो उसको ताना देते हैं, बूढ़ी हो गई क्या नमाज पढ़ रही है, नऊज़ुबिल्लाह, आज ऐसे हालात हैं, दीन नहीं होगा ना दीन तो आपकी औलाद हाथों से निकल ही जाए, आपको रोना पड़ेगा, और ये औलाद आपके लिए कयामत के दिन बहुत भारी मुसीबत पड़े, वो दोनों बूढ़े भी आए, काब इब्ने मालिक को नौजवान थे, हिलाल इब्ने उमैया मुरार इब्ने भी रुबिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए माफी मांगने के, अल्लाह के रसूल गलती होगी मैं उनका बातचीत नहीं की, यहां से निकल जाओ, अल्लाह ने मना किया हमारे पास मत आओ, अब वो तीनों ने देखा कि मदीने में कोई बातचीत नहीं कर रहा, बाजार जा रहे तो कोई बातचीत नहीं कर रहा, सलाम कलाम नहीं, हजरत काब इब्ने मालिक फरमा रहे मेरे फूफीजाद भाई करीब में रहते थे, नमाज के बाद मैं उनके घर गया तो मुझे देखकर किवाड़ बंद कर दिया, तो मैं दीवार फलांग कर ये ऊपर के मंजिले पर गया, टेरेस पर जहां वो सुन्नत नवाफिल पढ़ते थे, उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि यहां से निकल जाओ, आपसे बातचीत नहीं हो, कहा मैं रोता हुआ अपने घर वापस आया, हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया, हजरत काब इब्ने मालिक फरमा रहे कि अल्लाह ने मना कर दिया था हम तीनों से बातचीत का, सलाम कलाम का, मामलात का, सब बंद करा दिया, हमें हुक्म दिया था कि बीवियां भी हराम है जब तक अल्लाह दूसरा हुक्म न भेजो, चुनांचे हमने बीवियों को मैके भेज दिया, वो दोनों बूढ़े आए, कहा अल्लाह के रसूल हम तो रात भर खांसते हैं, हम तो बूढ़े हो गए, इनके इनके माँ बाप भी मर गए, हमारी बीवियों के माँ बाप मर गए, आपने हराम करार दिया, आपने सर आंखों पर, मैं इनको कहां छोड़ कर जाए, कहा इशारे से कहा कि दूसरा हुक्म आया वहां तक यहां से निकल जाओ, हराम कर दी चाहे तुम्हारे घरों में रखो मगर बीवी हराम। हजरत काब इब्ने मालिक फरमा रहे मैंने बीवी को जवान थी अपने उसके मैके भेज दिया, हम तीनों ने अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, अल्लाह इस गलती को माफ कर दे, हम हर हर गजवे में आए
हर मैदान में। अब की बार गलती हो गई, सुस्ती हो गई, हमारी नीयत जरूर थी, मगर अल्लाह माफ कर। 50 दिन और 50 रात तक माफी मांगी 50 दिन। एक मरतबा हजरत काब इब्ने मालिक रो पड़े दुआ कि अल्लाह ए अल्लाह तू जल्दी माफ कर दे, बहुत दिन हो गए, अगर इसी हालत में मर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा, मुझे माफ कर दे। बहुत रोए कि अल्लाह मेरी इस गलती को माफ कर, अगर इसी हालत में मर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा, मेरे लिए आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तीनों बहुत रोए अल्लाह के सामने, इतना रोए 50 दिन और 50 रात लगातार रोए, घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, ये तीनों हजरात रोते रहे। कोई गजवे ओहद, गजवे बदर कोई नहीं छूटी, गजवे तबूक छूट गया, वो भी सुस्ती की वजह से। अल्लाह ताला ने 50 दिन और 50 रात के बाद तौबा कबूल की है। आप सलासम पर वही आई कि जाओ, हजरत तलहा को भेजा के जाओ, इनको जाकर खुशखबरी के दो, अब शिरिया काब इब्न मालिक, अब शिरिया हिलाल इब्न उमैया, अब शिरिया मुरार इब्न रबिया, खुशखबरी सुन लो, काब इब्न मालिक, हिलाल इब्न उमैया, मुरार इब्न रबिया, अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है। हजरत काब इब्न मालिक ओहो टेरेस पर सुन्नत नवाफिल पढ़ रहे, जल्दी से चप्पल पहनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, आपने देखा आवाज हजरत काब की, अंदर जैसे मस्जिद में दाखिल हो, आप सासम समझ गए कि इसको तौबा की खुशखबरी की खबर पहुंच। आप सासम खड़े हो गए और गले से लगाया, हजरत काब का बयान तो सुनो मुसलमानों और दर्द पैदा करो, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक। हजरत काब फरमाते कि हुजूर सासम जिसकी एक मजलिस मैंने कभी नहीं छोड़ी, गजवे बदर में मैं साथ साथ रहा, गजवे उहद में मैं साथ साथ रहा, 50 दिन और 50 रात तक अल्लाह के नबी नाराज थे, 50 दिन और 50 रात के बाद मुलाकात हुई, आपने जब सीने से लगाया है, हजरत काब के अल्फाज है कि बकरीदे भी बहुत देखी, हदीस के अल्फाज में बकरीदे भी बहुत देखी और रमजान ईद की खुशियां भी बहुत देखी, मगर अल्लाह की कसम ऐसी खुशी कभी नहीं देखी जिस वक्त मेरी तौबा की खुशखबरी आसमानों से आई और हुजूर ने मुझे अपना सीना मुबारक मेरे सीने से लगाया। फरमा अल्लाह की कसम ऐसी ईद की खुशियां कभी नहीं देखी। उन हजरात में ये तौबा, गुनाहों से माफी मांगे बगैर उनको चैन नहीं आता था, वो भी एक गुनाह एक। और आज हमारा हाल यह है कि हम गुनाहों में नहा रहे हैं सुबह से शाम तक, जुमा जुमा नमाज पढ़ रहे हैं और हम लोगों को अल्लाह का डर नहीं, कयामत बिल्कुल करीब आ गई, कयामत करीब आ। मैं आपको पिछली मजलिस में कहकर गया था, उसके बाद आपको मालूम है मैंने आपको बताया था कयामत की निशानियों में कि जब दुनिया में झूठ शराब जुआ नाच गान धोखाबाजी लांच रिश्वत जुल्म जीनाकारी और सूद और व्याज का कारोबार आम हो जाए, उसके बाद जलजले और भूकंप के वरस कयामत तक शुरू हो जाए, उसके बाद 20 बड़े धरती कब हुए 20 बड़े, और यूं तो रोजाना 250 के ऊपर जा रहे हैं, 250 यूं ऐसे जमीन हिल रही है, जमीन हिल रही। जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जरा अंदर से जवाब देना भाई, खामोश मत बैठना। अभी पिछले दिनों पिछले हफ्ते दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब ऐसे 7 सूबों में, इसी तरह चाइना और नेपाल में तो 6 आदमी मर गए, पूरा मजमा जवाब दो। कल रात भी परसू रात वापस दिल्ली को अल्लाह ने हिलाया, भाई जोर से जवाब दो हिली के नहीं। कल की खबर कह रहा हूं आपको, कल परसू रात दुबई में 5.6 का धरती कम हुआ और पड़ोस ईरान में भी हुआ, बेशुमार माली नुकसान है ईरान बेशुमार। उससे पहले कुवैत में आए थे, 1 महीने पहले दुबई में आए थे, पूरी धरती ऐसे कांप रहे। अभी इंडोनेशिया में, भाई जवाब दो ना, सब मिलकर जोर से जबरदस्ती मत बोलना, 250 आदमी जलजले में मारे गए कि नहीं मारे गए, पिछले हफ्ते तो आया था, पिछले हफ्ते हुआ, पूरी धरती जलजलों से कांप रही। ये अल्लाह के बंदो तुम मुसलमान हो, आपको 1400 साल पहले निशानियां बताई, पूरा मजमा जवाब दो, बेशक के जरिए दुनिया मेरी और आपकी नहीं है, अल्लाह की है, अल्लाह की है, अल्लाह की है। हमको रहने के लिए दिया, अब उसका टाइम पूरा होने आया। आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर काजी साहब के यहाँ जाए, आप दवा की बोतल लिखवा कर लाए, वहां भी लिखा है मैन्युफैक्चर डेट, नीचे लिखा है एक्सपायर डेट, या आखिरी दिन है, अब आप यूज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने भी इसका एक्सपायर डेट रखा है, कयामत की आखिरी घड़ी उसका आखिरी डेट है, दूसरा विसल बजेगा,
उसके बाद सारे मुर्दों को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, मैदान हशर में जमा करेगा। कुरान में है अल्लाह अपनी ताकत बतला है कि एक इंसान के हिसाब किताब जो जिंदगी भर का है उसमें जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम अल्लाह अकबर, जोर से बोलो, पूरी इंसानियत के हिसाब में लगे, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगे। हमारे यहाँ एक मेहमान आ गए और उसके बाद 5 आ गए, 10 आ गए, 15 आ गए, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अल्लाह फरमा रहे एक इंसान में जो हिसाब का वक्त लगेगा उतना ही में सारी इंसानियत का हिसाब हो जाए। वो रब्बुल आलमीन, आप सासम ने फरमाया जब जमीन गुनाहों से भर जाए तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत उठा लेंगे। एक बरस महीने के बराबर हदीस में, और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, हदीस में माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाए। अभी हम रमजान गुजार कर निकले बाहर, देख लो सरों पे रमजान आ गया, सरों पे रमजान आ गया। गैर मुस्लिम ताजिर लोग सोशल मीडिया पर दे रहे कि रमजान का सामान खरीदने के लिए हमारी दुकानों का कॉन्टेक्ट करना, रहे इनको भी पता है कि रमजान आ गया। अभी हम रमजान से बाहर निकले और रमजान सामने आ गया, जमादिल उखरा, जमादिल उखरा, रजब शाबान, और आ गया रमजान, और एक महीना हफ्ते की तरह जा रहा है। ईमानदारी से जोर से जवाब दो, धीमे समझ बोलो, जवाब दो सब मिलकर, भाई टाइम में बरकत है, उठा ली अल्लाह। ये दुनिया का टाइम भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में, बड़ी 4 निशानियां हो गई और उम्मत गफलत में सो रही, 6 निशानियां बाकी रहेंगी, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। आप चाहे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आप अल्लाह ताला से इस्तिखारा करो, इस्तिखारा तो हर मोमिन को हुक्म है, अल्लाह से पूछ लो कि अल्लाह कयामत करीब है, आपको बतला देंगे कि सूरज पश्चिम सब निकालने वाला है। मौलाना इमरान साहब बेरावल काठियावाड़ में रहते हैं, वो मुझे लेने भी आते हैं काठियावाड़, अब उनके दिल में बात थी, उनको यकीन नहीं आता था मेरी बातों पर। अभी उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं दारुल देवबंद गया और वो भी वहाँ देवबंद आए। असर की बात हम लोग मुलाकात की तैयारी कर रहे थे, इतने में मगरिब की अजान हो गई, ख्वाब में देख रहे, बहुत बड़े आलिम दीन है, काठियावाड़ में रहते, और ख्वाब देखा कि हम मुलाकात कर रहे और सूरज पश्चिम से निकला। तो मैंने उनको बताया कि देखो मौलाना, आप इनकार कर रहे थे, देखो इधर क्या हो रहा है। कब मैंने कहा कि हाँ, आप, मैं मानता हूं कि सूरज पश्चिम से निकला। बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब कयामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दे। बेशुमार मुसलमान उलमा, दावत तो तबलीग वाले मर्द औरतें ख्वाब देख रहे हैं कि इमाम मेहदी उसका जहूर हो रहा है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतरते देख रहा है, कोई काना दज्जाल को देख रहा है, उसकी पेशानी पर काफारा लिखा हुआ, लोग हमको अपने ख्वाब आकर बतला रहे। कयामत बहुत करीब है और उम्मत की गफलत यह है कि उलमा से सुनते मगर दूसरों को कहते नहीं। जितना मौत और कयामत का तज़किरा अपनी मजलिसों में करोगे, बोलो जरा जोर से, बेशक तो ही अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में नूर पैदा करे। आज उम्मत में, उम्मत के दिल इसीलिए काला है, मौत को याद करने से कभी आज तक किसी को मौत जल्दी आई नहीं। दिल्ली में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का इंतकाल हुआ, ये रमजान से पिछले रमजान, वो मौत को बहुत याद करते, 100 साल की उम्र में, जोर से बोलो सब मिलकर, कितने साल की। हरियाणा में मौलाना इसहाक साहब थे, 107 बरस की उम्र, 107 बरस, वो मौत को बहुत याद करते, कभी नहीं आती मौत। मौत अल्लाह ताला ने लिख के, जो जितना मौत को, मौत मांगना नहीं, याद करना है, लोगों की मौत से अपनी मौत का सबक लेना कि उससे पहले पहले तैयारी करें। बार बार कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाने से अल्लाह की अजमत दिल में आएगी। और आपके दिल में चैलेंज करता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुरुल क़ुबूर फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा। और अब तो साइंस वालों ने तहकीक कर ली, उन्होंने बाकायदा कब्रिस्तानों से निकलने वालों लोगों के लिए के दिमाग के DNA लिए और फिर कंप्यूटर पर उसकी रिपोर्ट निकाली, तो देखा कि जो लोग कब्रिस्तानों से निकल रहे उनके दिलों में अच्छे काम करने के ख्याल आ रहे। कब्रिस्तान जाने से ही आए, आदमी वहां जाएगा ना तो ये एहसास होगा कि ओहो, यहाँ बड़ी बड़ी मूछ वाले सो गए तो मेरी तो मूछ ही नहीं, मेरी क्या हैसियत है अल्लाह के साथ। भाई बोलो ना, ख्याल आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आप सब हफ्ते में 2 बार जाते थे, पीर और जुमेरा, मैं आपको कह रहा हूँ एक बार तो जाओ। भाई पूरा मजमा बोलो ना, इंशाल्लाह जाओगे, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। कयामत का जिक्र करो अपनी मजलिसों में कि कयामत करीब है, उम्मत सो रही है, उम्मत सो रही है, और हम लोग उसका जिक्र कर। मैं 15 बरस से बोल रहा हूं 2007 से कयामत की निशानियों पर, आप सबको खबर है, पूरा मजमा जवाब दो, क्या इतना ज्यादा बोलने से कयामत जल्दी आ गई?
भाई बोलो ना, जवाब दो ना, आ गई क्या? और चलो आप कहो कल से बंद कर, पूरा मजमा जवाब दो, क्या अगर मैं बोलना या दूसरे लोग भी बोलना बंद कर देंगे तो कयामत देर से आएगी? भाई वो भाई देर से आएगी नहीं, उम्मत को जगाना है कि उम्मत जाग जाए, उलमा के पास बैठे, दावत तो तबलीग के काम में लग जाए, मस्जिदवार जमातों में बैठे, घरों में तालीम जिंदा करे। अल्लाह और नबी की बातों को नहीं समझोगे, मुकाबला तो रब्बुल आलमीन के सामने करना है, वो रब्बुल आलमीन है, वो जिंदगी का हिसाब मांगेगा। अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपने जकात, अपने हज, अपनी कुर्बानी, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, ये वहां का रुपया है। मामलात की सफाई, हलाल रोजी, बंदों के हुकूक, किसी का माल लिया, किसी का फ्लैट दबाया, किसी का बंगला जब्त किया, वापस कर दो, माफी मांग के तलाक, मामला साफ करके जाओ। मैं दरसे हदीस देता हूं हर सोमवार को ईशा के बाद, ले लो जिसके पास ऑनलाइन आता है। उस दिन हदीस आई थी, अब सरासिम पर वही आई कि फुला साहबिया, फुला खानदान के आदमी आए, जरा पूछो मजमे में, ताकी का नहीं अल्लाह के, फरमाया उनके घर जाकर खबर कर दो जिब्रील अलैहि सलाम आए थे और अभी बतलाया कि उनका फुला आदमी जो बहुत नेक था और पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ, उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया, अंदर जाने की एंट्री नहीं। अब सासम साहबा ने पूछा अल्लाह सुन क्या बात है, कहा जिब्रील अमीन ने आकर खबर दी कि बहुत नेक आदमी थे मगर एक भूल चूक हो गई थी उनसे, किसी से 10 दिनार लिए थे, वो दिए बगैर इंतकाल हो गया और उनसे माफी तलाफी भी नहीं हुई, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया। उन्होंने जाकर खबर कर दी नाम के साथ के फुला आदमी के पैसे बाकी थे और जाकर उनके घर वालों ने पैसे दिए। दूसरे दिन वही आई आज सरासम पर साहब आया कर कि उनको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। मुसलमानों आसान काम नहीं, आसान काम नहीं। और रब्बुल आलमीन, अल्लाह के बंदो जागो, कयामत बहुत करीब आ गई। साइंस वाले ऐलान कर रहे हैं इन 2050 द अर्थ विल बी एरिड एंड एम्प्टी। साइंस वाले मशीनरियों पर देख रहे कि जमीन हिल रही है, पहाड़ों पर जो बर्फ था सख्त गर्मी की वजह से, कयामत की निशानियों में हदीसों में भी, हदीसों में कि पिघल कर समंदर का और समंदर की सपाटियां ऊपर जाएगी तो तूफान आएंगे और दुनिया में हलाकतें होगी। देखो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह हो रहा, पूरी धरती ऐसे हिल रही। इंडिया में कितनी बार आया, क्योंकि कुरान में है पहाड़ों के नीचे अल्लाह ने आग बनाई। जरा जोर से बोलो भाई, क्या बनाई? आग। वो आग ऊपर आ रही, कयामत आ रही है ना, आग ऊपर आ रही, उससे धरती का मोर है और वो आग की वजह से बर्फ पिघल रहा, जो बर्फ पिघल रहा है। और वो पहाड़ों पर क्यों बर्फ नाजिल करते हैं कुरान में? अल्लाह से पूछो ना, पूरा मजमा जवाब दो, पहाड़ किसने पैदा किए? जोर से जरा अल्लाह, उनको पूछो पहाड़ के नीचे क्या, कुरान में आग बनाई और क्यों बनाई है? ताकि ये पहाड़ जो है ना, सुतून है, सुतून, जैसे ये बिल्डिंग के सुतून है ना पिलर, इस पर ये बिल्डिंग कर, अल्लाह फरमा रहे पूरी जमीन के पिलर जो है ना ये पहाड़, कयामत के दिन इसी को पहले हटाए एक झटके में, वही दल जिबाल लूसिफा, पहाड़ उड़ने लगे और नेस्त नाबूद हो जाए, पूरी जमीन खत्म हो गए। अब वो पहाड़, वो आग ऊपर आए, बर्फ पिघल कर समंदर में जा रहे, इधर भी तबाही और सलसले हो रहे, पूरी कायनात, पूरी धरती ऐसे हिल। मैं जब बोलना शुरू किया था कयामत की निशानियों पर 2007 तो 10 होते थे, पिछले 2 साल पहले 100, जब तो 200 के ऊपर जा रहे, 100 के ऊपर तो अभी हुए, 12 बजे के बाद 100 के ऊपर जलजले अभी हुए, पूरी धरती कांप रही और ये उम्मत गफलत में सो। अब बात खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जल्दी से जवाब दे दो बेशक के जरिए, जो खड़े हैं वो भी, जो बाहर बैठे हैं वो भी, मुसलमान है, जोर से बेशक बोलो, कयामत करीब है कि नहीं? हाँ, अब करीब है तो हमें वैसी जोरदार तैयारी कर, कहीं ऐसा ना हो कि वहां रोना है। हम लोग क्या करते हैं, झाड़ के जड़ में पानी नहीं डालते, हम लोग पत्तों पे, डालियों पे डालते हैं। वो पत्ते डालिए कौन सी, बदन, बदन को खूबसूरत बना, उसमें खाओ, खाना भरो, उसको गुसल दो, नहाओ, कपड़े आइन करो, ये करो, वो करो, बदन के लिए सब कर रहे, मगर रूह हमारी मरी पड़ी। अल्लाह ने दो चीजें बनाई, रूह और बदन दो, जोर से बोलो भाई, कितनी बनाई? और रूह मरी पड़ी, उसका खुराक चाहिए ना। आप बदन को तो खुराक दे रहे, मगर रूह को क्या दे? रूह की खुराक नमाज है, रोजा है, अकाइद है, ईमानियात है,
زکات ہے، حج ہے، قربانی ہے، بندوں کے معاملات ہیں، حقوق ہے، بندوں کے حقوق ہے، یہ وہ روح کی غذا ہے، اس لیے بے حساب پیسہ ہے لوگوں کے پاس۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ سورت شہر میں ایک آدمی آتے 5,000 کروڑ کا مالک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس نے مجھے کہا مگر سکون نہیں تھا دل میں، بالکل سکون نہیں۔ اس سے بڑی مثال دوں رتن ٹاٹا صاحب کی، ٹاٹا کمپنی کا مالک، اس کا میں نے انٹرویو پڑھا، اس میں کہا تھا کہ بائی گوڈ میرے پاس سب کچھ ہے مگر نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں۔ بے شک بولو دل کا سکون تو اللہ نے اپنے حکموں میں رکھا، گناہوں سے بچنے میں رکھا، پھر جو ہے مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا۔ روح آپ کی روح ہے نا جڑ کے برابر، اس کو پانی بھرو پھر بدن بھی مزہ لوٹے۔ مگر آج ہم صرف ڈالیوں پر پتوں پر پانی مار رہے ہیں، وہ درخت سوکھا پڑا، وہ بے جان ہو رہا، یہی ہم لوگ مار کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ لوگ بڑی دیر تک بیٹھے، اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اب ذرا زور سے کہہ کے جاؤ، دیر نہیں کرنا، آج کی عصر کی نماز ہی سے انشاءاللہ اپنی موت تک، ذرا زور سے، دھیمے سے نہیں، ہاں دوبارہ آؤں گا نہیں، اگر دھیمے سے بولو گے تو میں پہچان لوں گا کہ آپ میں کتنا پاور ہے۔ انشاءاللہ بولو کہ آج کی عصر کی نماز ہی سے، آخرت کی اور نماز کے بعد سے ہی اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کے لیے زوردار آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی پڑھ لو، ایک اور نیکی لایا ہوں، ہمارے بہت سارے مدرسے اور مکتب چلتے ہیں، ان میں ایک مدرسہ ہے ہریانہ میں، مولانا رئیس صاحب تشریف لائے ہیں، وہ وہاں اعلان کریں گے آپ کے سامنے۔ آج کل مدرسے میں بڑی تکلیف ہیں، اس لیے کہ حالات خراب ہیں، 2 مہینے سے استادوں کی تنخواہ بھی نہیں دے پائے ہیں۔ اب حضرات سے گزارش اپنے مرحوموں کے لیے، آپ کے لیے یہ نیکی کر کے جاؤ۔ مدارس جو ہے نا، مدرسے، یہ اسلام کے پاور ہاؤس ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ احمد آباد کی بہت مشہور چلن ہے، اس میں صرف دینی بیانات ہوتے ہیں، سب دینی بیان۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا، یہ چینل ہی ہے، یا آپ گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کو ہر عالم کا بیان ملے گا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا۔